Question number 6, exercise 6.1, for what value of lambda equation represent a pair of straight line? तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे. तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चेक करने के लिए क्या होता है. अगर कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन को ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर को सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वल टू जीरो, तो फिर वो क्या होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी सी वगैरह की वैल्यू इस इक्वेशन से पहले मेंशन करते हैं. एक्स स्क्वायर का जो क्वेश्चन होता है वो ए की वैल्यू होती है, वाई स्क्वायर का क्वेश्चन जो होता है वो बी की वैल्यू होती है, वाई स्क्वायर के साथ क्या है 12 है, और एक्स वाई का क्वेश्चन जो होता है वो 2h होता है, तो 2h इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा, और एक्स का क्वेश्चन 2g होता है तो 2g इक्वल टू 5, और वाई का क्वेश्चन 2f इक्वल टू माइनस 16 एट कॉन्स्टेंट इज सी. और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5, जी की वैल्यू आ जाएगी 5/2, एफ की वैल्यू आ जाएगी -8 एंड सी इज -3. तो ये गिवन है कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये लाजमी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो एज गिवन दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, so a b c plus 2 f g h minus a f square minus b b square minus c h square equal to क्या होगा 0. अब values put करते हैं a b c, a की value lambda, b की value 12, c की value minus 3, plus 2 f f की वैल्यू माइनस है, जी 5/2, एच -5, माइनस ए एफ स्क्वेयर, ए की वैल्यू लैम्डा और f की वैल्यू -8 का स्क्वेयर, माइनस बी जी माइनस बी डी स्क्वेयर, जी की वैल्यू 5/2, माइनस सी एच स्क्वेयर, एच इज माइनस 5 इक्वल टू 0. यहाँ सिंप्लीफाई कर दें तो बन जाएगा -36 लैम्डा एंड 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 40 एंड 20 ये हो गए. नेक्स्ट ये हो गया जी 64 लैम्डा. फिर उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इससे कम से कम हो जाएगा 3 ले जाएगा 3 into 25 75, एंड माइनस स्क्वायर 25 प्लस 75, ये दोनों इसमें कैंसिल, अलैम्डा को इकट्ठा करें, माइनस 100 अलैम्डा प्लस 200 इक्वल टू 0, 100 अलैम्डा equal to 200 and lambda equal to 2. तो यहाँ पे हमारे पास lambda की वैल्यू अगर 2 रखे तो ये इक्वेशन क्या करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. अब हम इसी पे एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से. क्वेश्चन नंबर 7 में कोई बात था, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब इक्वेशन है लैम्डा एक्स वाई प्लस 5x प्लस 3y प्लस 2. तो यहां भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या रखी जाए इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे. तो यहाँ पे हम ए बी सी मेंशन करते हैं,
तो x square coefficient a होता है, x square यहाँ कोई नहीं, इसका मतलब है a equal to zero. y square का coefficient b होता है, कोई equation में y square नहीं है, तो b भी क्या हो जाएगा zero. और x y का coefficient होता है 2h, which is x y, sorry lambda. और x का coefficient होता है 2g. f 2f equal to 3 and c equal to 2, so h equal to a lambda by 2 and g equal to 5 by 2 and f equal to 3 by 2. तो हमें पता है यहाँ के बाद एक इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सो इस इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. यहाँ वैल्यूज पुट करें, a भी 0 है तो फर्स्ट टर्म तो 0 होते हैं, प्लस 2f, f इज 3 by 2, g, g की वैल्यू कितनी है, 5 by 2, फिर h, h इज अलग माइनस a f स्क्वायर, a 0 है तो ये g 0, b 0 है तो ये 0, माइनस c, c इज 2, एंड h स्क्वायर इज अलग अलग 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बनेगा, 3 इंटू 5 15 लैम्डा बाय 4 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर बाय 4. लैम्डा बाय 4 कॉमन ले लेते, क्या रह जाएगा, लैम्डा बाय 4 को इक्वल टू 0 के आर 15 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0. तो वहां से लैम्डा की वैल्यू 0, तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 बाय 2. तो अब इसमें दो जो पॉसिबल वैल्यू है, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे तब ये इक्वेशन पे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर लैम्डा की वैल्यू आप 515 बाय 2 रखते हैं तब ये इक्वेशन क्या करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट. तो इस तरह के हमारे पास तीन क्वेश्चन थे, 6, 7, 8, दो हमने कर लिए, एक आपको होमवर्क के तौर पे आपको खुद करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये अनकम्प्लीट होगा.